आप तो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही खड़े हैं यमदेव। तब तो आपने मेरी चुनौती के बारे में भी सुना ही होगा। कहिए, क्या उत्तर है आपका? मेरा स्वागत करके अपना राज्य त्यागेंगे या मेरा सामना करके अपने प्राण? हे असुर श्रेष्ठ, मैं आपकी आधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बस एक विनती है मेरी। शर्त को विनती का नाम देकर बहलाना चाहते हो मुझे यमराज? असुर राज मूरा के सामने शर्त रख पाओ, इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। इसका आभास है मुझे असुरराज, पर मैं आपकी अधीनता स्वीकार करूं इससे पहले आपको स्वामी धर्म का पालन करना होगा। मेरे पुराने स्वामी के क्रोध से मेरी रक्षा करनी होगी आपको। कौन है तुम्हारा पुराना स्वामी? भगवान श्री नारायण। पर छोटी माँ, मूरा असुर को तो श्री नारायण से भी रक्षा का वरदान प्राप्त था ना? यही तो श्री नारायण की लीला थी बलराम। पर वो राक्षस अपने दम में जे समझ ही ना पाओ कि वो क्या भूल करने जा रहे हैं। अब पहुंच गए भगवान श्री नारायण को चुनौती देने के लिए। वही ठहर जाओ असुर राज मोरा। यहां क्यों आए? आपको पराजित करने और ये वैकुंठ जीतने, ताकि मैं यमलोक का स्वामी बन सकूं। फिर आओ, युद्ध भूमि में मेरा सामना करो। ये नहीं जानते कि इनसे ना हारने का वरदान तो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए युद्ध ठीक से आरंभ हो पाए उससे पहले ही इन्हें जीत लूंगा मैं। और इस प्रकार जे युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता रहो, दोनों योद्धा पूरे ब्रह्मांड में अनेक अस्त्रों शस्त्रों के साथ युद्ध करते रहे। फिर क्या हुआ मैया? उस युद्ध को कभी समाप्त हुआ हो? पर कैसे? शीघ्र ही वो राक्षस थक गया लल्ला। खड़े खड़े देख क्या रहे हैं नारायण? आक्रमण कीजिए, वध कर दीजिए मेरा। मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूं, इसलिए इतनी थकान की स्थिति में मैं तुम जैसे वीर पर आक्रमण नहीं करूंगा। जाओ, विश्राम करो। यदि फिर से युद्ध करने की इच्छा हो तो तुम्हारा स्वागत होगा। जे कह के श्री नारायण भद्रिका आश्रम चले गए और वहां हिमवत नाम की एक कंदरा में ध्यान लगा के बैठ गए। उधर वो राक्षस विश्राम करने लगो
अनेकों दिन बीत गए और अब वो राक्षस मूरा फिर से स्वस्थ होके बलवान हो गया था। उसने अपनी सारी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली थी। श्री नारायण ने उस पर दया करी थी, पर वो फिर से श्री नारायण को छलने को तैयार होगा। ध्यान में बैठे बैठे श्री नारायण योग निद्रा में चले गए, पर दुष्ट मूरा इसी अवसर का लाभ उठाके उनकी कंदरा में घुस आयो ताकि वो सोते हुए श्री नारायण पे आक्रमण कर सके। आज इस लंबे युद्ध को जीतकर अपने इस अंतिम शत्रु का भी अंत कर दूंगा मैं। दुष्ट राक्षस, प्रभु ने तुझ पर दया की, तुझे संभलने का अवसर दिया, तू इन्हीं पर ही छल से वार करने चला है। मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, ब्रह्मा का वरदान है मुझे। तूने नारायण से अपराजय होने का वरदान मांगा था मूर्ख, उनकी शक्ति से नहीं। ध्यान से देख, मैं तेरी मृत्यु हूँ। मृत्यु देवी कौन थी छोटी माँ? और कौन बलराम, वो ही तो थी देवी एकादशी। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा के बिना ही युद्ध करके आपके शत्रु को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्षमा नहीं, आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए देवी। असुर राज को मारकर आपने सभी देवताओं को मुक्त करवाया है। इस पापी के अहंकार से तीनों लोकों की रक्षा की है आपने। आप एकादशी की तिथि पर मेरी एकादश इंद्रियों से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मेरे सभी भक्त आपको उत्पन्न एकादशी के नाम से जानेंगे। सभी तिथियों में आपका स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। जिस तरह आपने राक्षस के आक्रमण से मेरी रक्षा की है, उसी प्रकार एकादशी के दिन व्रत करके जो भी भक्त आपकी कथा सुनेगा, मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। जो आपकी पूजा करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी और उसके साथ साथ उसे मिलेगा धन, सिद्धि और मोक्ष। इसीलिए आज के दिन व्रत रखने का बहुत अधिक महत्व होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। प्रभु की कृपा से एकादशी का महत्व भी पता चल गो और मेरा व्रत भी सफल हो गो। अभी नहीं भुला रहा, एकादशी का व्रत पूरी तरह तभी सफल होता है जब द्वादशी के दिन उसे पूरा किया जाता है।
आवश्यक है आपको यह आभास होना कि उस विष्णु अवतार को पराजित करने के लिए आपके साधारण योद्धाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। वो विष्णु अवतार कुछ अधिक ही असाधारण है। जाने की आज्ञा नहीं दी है। अभी उन्हें किसी और राक्षस को यहाँ भेजने से रोकने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। बचपन से ही मुझे मारने का सपना देख रहे हैं, फिर मुझे ही नहीं पहचानते। बचपन से विष्णु अवतार, कोई गाना बुलाता है तो कोई मुरलीधर पुकारता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई कहता है चित चोर, पर विष्णु अवतार इस नाम से तो बस आप ही मुझे बुलाते हो मामा जी। इतना साहस, ये तो यहाँ आ गया है। यहाँ आ तो गया तू विष्णु अवतार, तो यहां से जीवित नहीं जाएगा। तेरे शीश को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा मैं। मामा जी, आप सदैव इसी तरह क्रोध में रहते हो क्या? छोड़, छोड़ मेरी तलवार को। छोड़ो तो तब जब पकड़ा हूँ। मामा जी, विश्राम करना।
आपका तो पता नहीं, मैं अवश्य थक गया हूँ। मेरे सिंहासन पर बैठने का तो साहस। अभी तो बस अभ्यास कर रहा था मामा जी, भविष्य में मुझे तो बैठना ही है। आपने बल प्रयोग करके से अपने पिताजी से छीना था, मैं आज से छीनूंगा। जो छल और बल से लिया जाए वो अधिक समय तक टिकता नहीं है मामा जी। सिंहासन छोड़ना होगा। वो मेरा सिंहासन छीनना चाहता। वो आ रहा है, वो आ रहा है। सैनिक, सैनिकों, सैनिकों! दुर्जन, बंद कर दो सभी द्वार और घरों के, सबके सब। इसकी हर संभावना पर इतना कड़ा पहरा बिठा दो कि ना तो कोई महल के भीतर आ सके ना कोई बाहर जा सके। मुझे महल की चप्पे चप्पे की सूचना चाहिए। जाओ। सिंहासन। अबा, दुष्ट मायावी, ए छलिया विष्णु अवतार, मैं कंस तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। देखता हूँ, देखता हूँ मेरे मेरे सिंहासन पर कैसे बैठता है तू। मुझे तो बस कुछ समय चाहिए था, वो मिल गया। अब करते रहिए आप प्रतीक्षा। जी अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं जी? आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? ना कछु ना। बताओ क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुम ही पर गए जी। जब तुम व्रत करती हो तो तुम भी ऐसा ही करती हो। इसी प्रकार भूख अधिक लगने पर अपना ध्यान भटकाने के लिए स्वयं से ही बड़बड़ाती रहती। होगा? आपको तो बस मेरा उपहास उड़ाने के लिए बहाना चाहिए। लल्ला, भूख लगी है? ना मैया, व्रत करे तो भूख कैसे लगेगी? यदि लगी हो तो छोटे बालकों को थोड़ी बहुत भूल चूक क्षमा होती है। कछु ना तो फल तो तू खा ही सकते है। अब तो पूरे नियम और विधि विधान से व्रत तोड़ूंगा। कल द्वादशी के सुबह मुहूर्त के अनुसार। ठीक। लल्ला, एकादशी समाप्त हो गई है, द्वादशी लग गई है, अब तू व्रत तोड़ सकते है। भोजन कर ले, ले। आज तो कार्य कर लीजिएगा। मैं ना चाहती कि सब गांव वाले फिर से आपका उपहास उड़ाएं। अरे,
इसी क्षण कार्य आरंभ करना आवश्यक ना है। कुछ खा तो लो। कल भी पूरे दिन व्रत में रहे, अब तो कुछ खा लो। नाना, अभी बिल्कुल भूख ना है। और हाँ भगवान, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं किसी को भी दो शब्द कहने का अवसर नहीं दूंगा। अरे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे रहोगे? ठहर, मैं तेरे लिए मट्ठा लेके आती हूँ। व्रत के बाद पीने से पेट ठंडा रहता है। रुक। भक्तों ने अभी तक व्रत नहीं तोड़ा है, मैं कैसे तोड़ लूं? भूख कहाँ से होगी? श्री हरि नाम से पेट तो भर लेते हो। श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। हरी हरी प्रभु हरी, हरी हरी प्रभु हरी, हरी हरी प्रभु हरी, हरी हरी प्रभु हरी। कल से अन्न का एक दाना ना गो है पेट में। अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? अब क्या व्रत तुड़वाने भी आपके प्रभु ही आएंगे? मैया, मैया पहले व्रत तोड़ के कछु खा तो लो। अभी ना, लौट के आने के बाद। हाँ, बलराम, ठहरो पुत्र, पहले कुछ खा लो, व्रत तोड़ना आवश्यक होता है। मैया ने एकादशी का महत्व बताया। लगता है मुझे सबको द्वादशी पर व्रत तोड़ने समाप्त करने का महत्व बताना होगा। हरी 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 मेरे हरी। अभी अभी तो मैंने बच्चों की माँ को वचन दिया था कि आज किसी को शिकायत करने का अवसर ना दूंगा। और अब मैं प्रभु श्री हरि की कल्पना जसोमती रानी के लल्ला में ही करने लगा। नाना, ये ठीक ना है। ठीक तो है, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। बड़े तो बड़े, अब तो बालक भी हमारा उपहास उड़ाने लगे। मैं आपका उपहास नहीं उड़ाने आया, मैं तो आपके एकादशी के व्रत को पूरा कराने आया हूँ। कान्हा, तो ये रही आपकी छड़ी और ये रही मेरी पीठ। देख, बिना ताकड़ तोड़। आज तो इसकी पीठ सेक के रहूंगी मैं। मैया, घर पे भूखी मुझे ढूंढ रही होगी। लो, आज द्वादशी के दिन पहले प्रहर में भोजन करके अपना एकादशी का व्रत पूरा करो आप। धन्यवाद राजकुमार, पर अभी हमें भूख नहीं है। बहुत सारा काम पड़ा है और अभी थोड़ी ही देर में संकरी बहन भी अपनी मटकी लेने आती होंगी। पर मैं आपका व्रत पूरा कराए बिना नहीं जा सकता। भला क्यों? भक्त भूखा रहे और भगवान खा ले, ऐसा हो सकता है भला?
ये कैसा भ्रम हो रहा है मुझे? मुझे लगता है अपना काम करना चाहिए। त्रयोदशी के पहले प्रार में व्रत पूरा करना बहुत आवश्यक होता है, ना तो एकादशी का व्रत भी पूरा ना मानो जातो। इतनी सारी ज्ञान की बातें तुम्हें कैसे पता है लल्ला? जैसे एकादशी की कथा होती है वैसे द्वादशी की महिमा भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है। कैसी कथा? बिल्कुल सही समय पे आई हो आप, क्योंकि आपको ये कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। मुझे क्यों? पहले सुन तो लियो, फिर स्वयं ही पता चल जाएगा। बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे, राजा अम्बरीश। भगवान श्री हरि के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नेक पुण्य के काम करते थे वो, अपनी पत्नी के साथ रेखा नाम जपते रहते थे। उन्होंने 12 माह एकादशी का व्रत करो निर्जल पास कियो, और जब उनकी 12वीं एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन तोड़ने का समय हुआ, तभी महर्षि दुर्वासा अपनी 100 शिष्यों के साथ उनके महल में पधारे। प्रणाम स्वीकार करें महर्षि। आप जैसे महान ऋषि मेरे राज्यसभा में आए, वो भी ऐसे अवसर पर जब मैं और मेरी पत्नी निरंतर 12 एकादशियों के बाद अंतिम एकादशी का व्रत तोड़ेंगे। इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है हमारे लिए? आज आपके साथ साथ मेरा और मेरे शिष्यों का एकादशी व्रत भी पूरा होगा। संभव है प्रभु की इच्छा यही हो कि हम सब अपना व्रत एक साथ तोड़े। ये तो अत्यधिक प्रसन्नता की बात है महर्षि। तो फिर ठीक है, हम सब यात्रा से थके हैं, व्रत तोड़ने से पहले हम स्नान करना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा महर्षि, जब तक आप लोग लौटेंगे तब तक आपके सारे प्रबंध यहां हो चुके होंगे। महर्षि दुर्वासा स्नान करने गए थे पर उन्हें लौटने में विलंब हो रहा था, और इधर द्वादशी पर व्रत पूरा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था। महाराज अमरेश बड़ी विनम्रता के साथ महर्षि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, व्रत तोड़ने का मुहूर्त बीता जा रहा है, बस कुछ ही समय बचा है। महर्षि और उनके शिष्यों के लौटने में न जाने कितना समय लग जाएगा। मेरा सुझाव है कि आप मुहूर्त समाप्त होने से पहले व्रत अवश्य तोड़ लें। गुरुदेव, हमने महर्षि दुर्वासा को वचन दिया है कि जब तक वो लौटेंगे नहीं तब तक हम व्रत नहीं तोड़ेंगे, इसीलिए मैं उनके लौटने के बाद ही भोजन ग्रहण करूंगा। पर महाराज, मुहूर्त यदि बीत गया और समय रहते हो नहीं आए तो महाराज आपका व्रत पूरा नहीं होगा। महाराज आपको उसका फल नहीं मिलेगा। महाराज, 12 एकादशियों का व्रत व्यर्थ चला जाएगा। किंतु गुरुदेव, यदि मैंने भोजन कर लिया तो ये तो अतिथियों का अपमान होगा। आप उचित कह रहे हैं महाराज, भोजन के लिए उनकी प्रतीक्षा अवश्य कीजिए महाराज। पर मुहूर्त रहते हुए एक तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण कर लीजिए, इससे आपका व्रत भी पूरा हो जाएगा और अतिथि का मान भी रह जाएगा। आपका सुझाव अच्छा है गुरुदेव। जैसे ही महाराज ने तुलसी का पत्ता खायो वैसे ही महर्षि दुर्वासा लौट आए। महाराज,
महाराज को उपास तोड़ते देखते बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बड़े भक्त हैं आप, परंतु आप ये नहीं जानते अपने अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आपने हमें सात भोजन करने का वचन दिया था, पर अपना व्रत क्यों तोड़ा आपने? महर्षि, मैंने भोजन नहीं ग्रहण किया। कहीं मुहूर्त न निकल जाए इस कारण मैंने एक तुलसी का पत्ता ग्रहण कर लिया। 56 भोग खाया हो या एक पत्ता, अपना व्रत तोड़कर अतिथियों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अब आपको दंड भोगना होगा ताकि आप सीख पाएं कि अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। महर्षि, मैंने महर्षि आप जो भी दंड मुझे देंगे मुझे स्वीकार है, किंतु आप क्रोधित मत होइए। क्रोध का कारण आपने दिया है महाराज, एक महर्षि का अपमान करके राक्षसी प्रवृत्ति का परिचय दिया है आपने, इसीलिए अब एक राक्षसी आपको दंड देगी। हे प्रभु, यदि मैंने सच में महर्षि का अपमान करने की भूल की हो तो मैं उसका परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय नमः। महर्षि दुर्वासा को यह आभास ही नहीं था कि महाराज अम्बरीश ने उनका अपमान नहीं किया था, फिर भी उसे अपमान मान के वो श्री नारायण के भक्त पे संदेह कर रहे थे। मैंने भी तो भोला राम की भक्ति पे संदेह किया था। हे नारायण, ये क्या पाप हो गया मुझसे? संदेह किसी अपमान से कम ना हो तो, और भगवान सब सह सकते हैं, पर उनके प्रिय भक्तों का अपमान सहन ना कर सकते, इसीलिए उन्होंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। ओम नमो नारायणाय। और फिर भगवान का उस सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। ये चक्र तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ओम नमो नारायणाय। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई रोको इसे, कोई रोको इसे। प्राण कैसे तैसे बचाते बचाते महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक जा पहुंचे। ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ब्रह्मदेव सहायता कीजिए, मुझे बचाइए, ब्रह्मदेव रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन चक्र मेरे प्राणों के पीछे पड़ गया है, मुझे बचाइए ब्रह्मदेव, मुझे बचाइए। महर्षि, मैं चाहकर भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में यदि कोई कुछ कर सकते हैं तो वो है सुदर्शन चक्र के स्वामी विष्णु, क्योंकि सृष्टि में केवल वही है जो इसे नियंत्रित कर सकते हैं, वो ही इसे वापस लौटने का आदेश देकर आपके प्राणों पर छाए हुए संकट को
दूर कर सकते हैं, किंतु हां मैं सुदर्शन चक्र से इतना अवश्य कहूंगा कि जब तक आप विष्णु लोक में पहुंच नहीं जाते वो आपको किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सदा ही जय हो। फिर क्या था? भागते भागते माँ ऋषि दुर्वासा सीधे भगवान श्री हरि के शरण में बैकुंठ पहुंच गए। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके इस चक्र और ऊर्जा से नहीं भाग सकता प्रभु, कृपया करके अपने सुदर्शन को रोकिए, इसे वापस लीजिए प्रभु। यह संभव है महर्षि, एक बार सुदर्शन चक्र मेरे हाथों से छूट जाए तो अपना उद्देश्य पूरा किए बिना, मेरे भक्तों की रक्षा किए बिना वापस नहीं लौटता। कोई तो उपाय होगा प्रभु, कृपया करके मेरे प्राण बचाइए प्रभु। मैं सुदर्शन की ऊर्जा से जलकर भस्म नहीं होना चाहता प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। एक उपाय है किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। मैं अवश्य करूंगा, मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा प्रभु। आपने मेरे भक्त राजा अम्बरीश को भक्ति का कर्तव्य निभाने के लिए अपमानित और दंडित किया है महर्षि, पर भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है, इसलिए यदि आप भक्त राजा अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना करें और यदि वो आपको क्षमा कर दे तो ही ये चक्र आपके प्राण लिए बिना लौट सकता है, अन्यथा आप तो जानते हैं महर्षि, मेरे भक्त का अपमान मेरा अपमान। भक्त का अपमान भगवान के अपमान से कम ना हो तो है। महर्षि दुर्वासा को भी ये बात समझ आई और फिर उन्होंने महाराज अमृत से क्षमा याचना की। महाराज 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 मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। महर्षि आप हमारे चरण छुए ये उचित नहीं। महाराज महाराज अम्बरीश, आप नारायण के सच्चे भक्त हैं, मैंने आपको अपमानित किया, दंडित करने का प्रयास किया महाराज, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कीजिए महाराज, और इस सुदर्शन चक्र से मेरे प्राण बचाइए महाराज। हे महान सुदर्शन, यदि महर्षि के लिए मेरे हृदय में अभी भी वही सम्मान और प्रेम हो जो इनके प्रथम आगमन पे था तो कृपया आप अपने धाम वापस लौट जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज अम्बरीश, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली हों, आपकी कीर्ति का पताका दसों दिशाओं में फहराए। मेरी बस एक ही इच्छा है महर्षि, कि मैं आपके साथ अपना उपवास तोड़ सकूं। अवश्य महाराज, हम सब भोजन आपके साथ करेंगे और अपने आप को नारायण की सेवा में अर्पित करके व्रत को पूरा करेंगे, क्योंकि आज जो यहां हुआ है उससे सिद्ध हो चुका है कि एकादशी व्रत का फल द्वादशी की सुबह भोजन करने से ही प्राप्त होता है। इस कथा से हमें पता चलता है कि सभी को द्वादशी के सुबह हर पेट भोजन करके एकादशी का व्रत पूरा करना चाहिए, और दूसरी बात भगवान की सच्ची भक्ति अपमान कभी ना करना चाहिए, उनके साथ सदैव प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, यही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भैया भोला राम, मैंने भी श्री हरि पे तुम्हारे विश्वास का उपहास उड़ाया था, मुझे क्षमा कर दो। ना ना, आप क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत करो, आप तो मेरी बहन जैसी हैं। जब महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि को भी प्रभु के भक्त से क्षमा मांगनी पड़ी तो मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ,
मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा ना लगा। पर पता है प्रभु को कौन सी बात प्रभु भूला रखता है? कौन सी बात? जब उनका भक्त भूखा रहे मम्मी भी अपना व्रत पूरा ना करे। और जैसा कि आप सभी ने अभी 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 कथा से सीखो है, एकादशी के व्रत को द्वादशी की सुबह अवश्य पूरा करना चाहिए। अब आप जाओ अपना व्रत पूरा करो। मैं आपके लिए जल लेके आती हूँ।